हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेरीज वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ अपने बैग का कलेक्शन शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा बैग कहाँ से लिया है और उनके प्राइसेस क्या है और वो कैसा है, उनके मटेरियल कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये मैंने छोटा सा स्लिंग बैग लिया था, सरोजनी नगर से लिया था मैंने ये, और इसका प्राइस है 250 रुपीज़। आप देख सकते हैं छोटू सा है ये, और इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं। पीछे भी है इसमें चेन। ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था 250 में। सरोजनी नगर बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिलते हैं और बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बैग है। इसका लेदर भी बहुत अच्छा है, और ये चेन जो है इसमें लेदर की चेन लगी हुई थी, तो मैंने उसको कट करके और अपनी गली चेन लगा दी। मेरी मम्मा ने एक क्लच लिया था तो उसके साथ ये चेन मिली थी, तो मैंने वो चेन अपने इसमें एडजस्ट कर ली। ये 250 का था सरोजनी नगर से। ये मेरा सेकेंड स्लिंग बैग है, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी। अगर आपने मेरी क्लब फैक्ट्री हॉल देखी हो, उसके रिव्यूज़ तो उसमें आपने देखा होगा। तो ये ऐसे छोटा छोटा सा है, और ये मैंने 86 या 90 के अराउंड लिया था ये क्लब फैक्ट्री से। तो ये भी बहुत अच्छा है, छोटा सा, इसमें फ़ोन वगैरह, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ आ सकता है। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, बेरी पैकर्स ब्रांड का है ये, और इसमें एक कंपार्टमेंट है बस। इसके अंदर एक चेन है, और ये मैं अपने बैग में रखती हूँ छोटे से क्लच। तो ये तो मेरा भाई लाया था सिंगापुर से, और ये मैंने मिंत्रा से लिया था। इसका प्राइस 960 रुपीज़ था, और इसमें दो तीन कलर्स ही अवेलेबल थे, ब्राउन, वाइट में, और डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने बर्थडे पर लिया था ये। ये बैग है डॉल्स एंड स्टेला का है ये, और ये मैंने 950 या 980 के अराउंड लिया था, मतलब मुझे इतना याद नहीं, 3-4 मंथ्स पहले लिया था। तो ये डॉल्स एंड स्टेला का है, बहुत डार्क पिंक सा है ये, नियॉन पिंक कलर है, और इसमें भी एक कंपार्टमेंट है और छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं, और यहाँ पे एक चेन होगी। हाँ, ये चेन है, और इसके यहाँ पे भी एक चेन है। तो अच्छा है ये बैग, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं अपने सामान अरेंज करने के लिए, और इसमें भी मैंने क्लच रखा हुआ है। ये भी मैंने सरोजनी नगर से ही लिया था, 200 का था ये, और ये बैग था मेरा 980 या 960 के अराउंड था। तो ये बैग भी बहुत अच्छा है। ये मेरा थर्ड बैकपैक है ये, मैंने मिंत्रा से लिया था, और इसमें भी एक कंपार्टमेंट है, और अंदर है छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, और एक ये है, और छोटी सी पॉकेट है इसमें। और ये मेरा भाई लाया था सिंगापुर से, इसका प्राइस आई डोंट नो क्या है, और इसका प्राइस था 750 रुपीज़। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, और इसमें भी दो तीन कलर अवेलेबल थे, लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये शोएटोपिया ब्रांड होता है, उस ब्रांड का है ये, शोएटोपिया का। और मिंत्रा पे मैं जो भी जैसे भी आइटम्स देखती हूँ, चाहे वो क्लोथिंग हो, शूज़ हो, या बैग्स हो, सब कुछ एज इट इज़ आता है। ये भी मैंने जैसा जो कलर लिया था और जैसा देखा था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है, और अंदर का भी स्टफ्स में बहुत अच्छा है। ये बैग मैंने चुनमुन से लिया था अपने बर्थडे पे, तो इसका कलर भी बहुत सोबर सा कलर है, सिंपल सोबर सा, और नीचे ये है, और अंदर के कंपार्टमेंट्स हैं। बहुत स्टाइलिश सा बैग है वैसे तो ये, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे से, ये चेन है, फिर ये कंपार्टमेंट है, फिर ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, और ये तो पाउच है, स्पेस कम है लेकिन कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये पीछे भी चेन है, बहुत अच्छा सा, फ़ोन रखने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ये मैंने चुनमुन से लिया था 800 रुपीज़ का, सेल में लिया था मैंने ये, तो 50% ऑफ थे तभी लिया था मैंने ये, तो 50% ऑफ में मिला था मुझे ये। और ये पाउच मेरे भाई सिंगापुर से लाया था, ये बहुत क्यूट लगता है मेरे को।
और ये मेरा भाई सिंगापुर से लाया था। ये ऐसे ही है, सिंपल सा, ऐसे कॉलेज जाने के लिए। ये मेरा छोटा सा बैकपैक है, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, बहुत छोटा सा है। पिक में तो बहुत बड़ा था क्लब फैक्ट्री पे, लेकिन आया बहुत छोटा सा है। लेकिन फिर भी ट्रेंड में आजकल छोटे छोटे बैकपैक्स ही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बेबी पिंक, ये मिंट कलर, ब्लैक में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसके स्टफ़ लेकर अच्छा है, लेदर भी अच्छा है और अंदर का स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी ये छोटा एक कंपार्टमेंट है बस छोटा सा। और ये तो पाउच है, ये मेरा भाई लाया था सिंगापुर से, कॉइन पाउच है ये छोटा सा, मैं बस कॉइन वगैरह रख सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे। तो ये ऐसे बैकपैक है, एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं। और छोटे साइज में बुक्स तो आएंगी नहीं, फिर भी ठीक है, अच्छा बैग है। ये मैंने 360 रुपीज़ से लिया था क्लब फैक्ट्री से। क्लब फैक्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। वहाँ पर मैंने जो भी क्लब फैक्ट्री से लिया था उसके रिव्यू और प्राइजेस सब बताए थे। तो ये थे मेरे बैग कलेक्शंस, छोटे से बैग कलेक्शन है, ज़्यादा बैग नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे मेरे बैग के कलेक्शन, और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा आप मिंत्रा या क्लब फैक्ट्री से शॉप करोगे तो, क्योंकि क्लब फैक्ट्री पे बहुत छोटे बैग्स आते हैं, मैंने बता दिया आपको। और मिंत्रा पे तो एज़ इट इज़ जैसा देखते हैं वैसा ही आता है, और बहुत ही अच्छे इनका लेदर और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ दिया होता है उन लोगों ने कि कैसा लेदर है, कितने पॉकेट्स हैं और क्या कलर है, और साइज़ वगैरह भी सब मेंशन रहते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।